बात सुशांत मामले की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रिया की याचिका पर सुशांत के पिता का जवाब इसमें सामने आया है। रिया सिद्धार्थ पिठानी को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई के पास मामला ट्रांसफर करने का मतलब नहीं, रिया भी सीबीआई जांच चाहती थी। फिर शिकायत क्या है? प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जी प्रभाकर, इसमें क्या कुछ कहा गया है? क्या हम ये माने कि इस जवाब में कहीं ना कहीं सुशांत के पिता ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं थी, वो बिहार पुलिस से ही जांच करवाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उसमें मांग किया गया है कि जो एफआईआर पटना में दर्ज है उसे ट्रांसफर किया जाए मुंबई, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षकारों को से जवाब मांगा था और शांत सिंह राजपूत के पिता से भी जवाब मांगा गया था। उनकी तरफ से जो जवाब आया है उसमें ये बात कही गई है कि चूंकि अब मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जा चुका है, ऐसे में अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया है। चूंकि इस याचिका में जो मांग की गई है, वो मांग की गई है कि पटना में जो दर्ज एफआईआर है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि केस ही सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, ऐसे में अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया है। दूसरी बात उसमें ये कही गई है कि रिया चक्रवर्ती ने खुद ही सोशल मीडिया अकाउंट पर सीबीआई जांच की मांग की थी, और अब चूंकि सीबीआई को मामला चला गया है उसके बाद अब इन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उनका ये यू टर्न है वो सही नहीं है। और इस आधार पर ये कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने अपना रिप्लाई पहले से दायर कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत थी, और चूंकि मामला सीबीआई को जा चुका है, और उसमें ये भी बात कही गई थी कि किस तरह से मुंबई पुलिस इस मामले में जांच ढंग से नहीं कर रही है, जांच में सहयोग नहीं कर रही है। वही बात सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी कहा है कि इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच सही नहीं है। ओके, तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस जवाब के बाद रुख क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच सुशांत केस पर इस वक्त की बड़ी खबर यह भी कि 9 घंटे की पूछताछ में ईडी की टीम रिया के जो जवाब थे उससे संतुष्ट नहीं है, और एक बार फिर से इसीलिए ईडी रिया से सोमवार को पूछताछ कर सकती है। यानी कि कल 9 घंटे तक जो पूछताछ हुई है और जो अंदर से खबरें निकल करके सामने आ रही थी कि रिया कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, वैसी ही बात अभी सामने आ रही है और ईडी एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। दीपक दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सवाल जवाब तो बहुत किए गए, 9 घंटे तक बातचीत हुई लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं, क्या जानकारी? जी, ईडी अधिकारियों के मुताबिक जो सवाल के जवाब वो चाहते थे रिया चक्रवर्ती से, वो उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाए थे। ऐसे में अब रिया को एक बार फिर से तलब किया गया है, जहां पर वो सोमवार को आकर अपना बयान इस पूरे मामले में आगे सेकंड राउंड में दर्ज कराएंगी। आपको बता दें कि ईडी के पास कई सवालों की फहरिस्त थी लेकिन वो जवाब नहीं चाहती थी। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती पहुँचे हुए हैं ईडी दफ्तर, ये जस्ट आप देख सकते हैं शौविक अंदर जा चुके हैं। इनसे ईडी लगातार पूछताछ कल भी की हुई थी और शौविक से अब एक बार फिर से पूछताछ होगी। शौविक चक्रवर्ती अभी कुछ समय पहले ही अंदर गए हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सिद्धार्थ पिठानी से भी ईडी आज पूछताछ करने वाली है, और साथ ही सोमवार को रिया चक्रवर्ती का बयान ईडी दर्ज कर सकती है। वहीं रिया के जो पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनको भी तलब किया गया है ईडी के द्वारा, तो ईडी ने अपनी जो जांच है वो तेज कर दी है। लेकिन दीपक, इस वक्त शौविक एक बार फिर पहुंचे हैं, कल भी उनसे पूछताछ हुई है, बीच में वो एक बार गए डॉक्यूमेंट लेकर के आए, फिर उन्हें अलग कमरे में बैठा करके उनसे पूछताछ की गई, आज उन्हें दोबारा क्यों बुलाया गया है? क्या इनके भी सवालों के जवाब जो दिए थे इन्होंने संतुष्ट नहीं थे वो? जी, आपको बता दें कि कल जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था और शौविक और रिया जब एक साथ पहुंचे हुए थे तो इन दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन जो ईडी ने पहले ही कहा था कि आप वो कागजात और सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए जिसके बिना पर ये प्रूफ किया जा सके जो आप कह रही हैं वो सही है, ऐसे में वो डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं पहुंचे हुए थे। इस वजह से उन्हें एक बार फिर से घर भेजा गया था, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे थे। अब ऐसे में एक बार फिर जब आज पहुंचे हुए हैं तो अब कुछ ही समय के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हुए हैं, या ईडी इनसे एक बार फिर से इनका बयान पूरे मामले में दर्ज करना चाहती है, क्योंकि ईडी जो भी बयान दर्ज कर रही है खासतौर पर मैं रिया चक्रवर्ती
शौविक की बात और श्रुति मोदी की बात करूंगा कि जो आधार है, जो जो ये बातें कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, डॉक्यूमेंट्स की भी वेरीफाई करना बहुत जरूरी होगा। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स भी ईडी सब सारे खंगाल रही है जो इनके द्वारा दिए जा रहे हैं और जो ईडी के पास मौजूद हैं वो भी अपने तरह से इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। जी जी, लेकिन लेकिन दीपक, अभी तक के क्या तथ्य निकल करके सामने आ रहा है, अगर हम अगर कड़ियों को जोड़ें तो क्या दिखाई देता है? क्योंकि देखिए, रिया के द्वारा एक फ्लैट भी कुछ 80 करोड़ रुपए की कीमत में करीब खरीदा गया, वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में है क्योंकि उनके अकाउंट में बीते एक साल में तकरीबन 1200 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए समथिंग ट्रांसफर शायद हुए हैं, उसका ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें से 80 करोड़ का अगर वो फ्लैट खरीदती है, ये सब कुछ ऐसा है क्या जो कहीं ना कहीं अब जांच का विषय है और ईडी इन्हीं चीजों को खंगाल रही है? जी, जांच का दायरा काफी बड़ा है इस पूरे मामले में। खासतौर पर मात्र 15 करोड़ रुपए की बात नहीं है, जिस तरह से कंपनी सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा फॉर्म की गई थी, क्या उसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इसकी जांच की जानी है। मनी ट्रेल की जो बात सामने आ रही है कि पैसों का हेर फेर यहाँ से वहाँ किया गया है, जो कंपनीज बनाई गई थी उसमें से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूर किया गया था लेकिन बैंक अकाउंट नहीं खोला गया था, कोई लेन देन नहीं हुआ था, तो क्या ये सेल कंपनी के द्वारा ये एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसे को डाइवर्ट करने की बात थी? इस एंगल पर भी जांच की जानी है। 2018-19 की जो इनकम टैक्स कुल मिलाकर के कल 9 घंटे की बातचीत हुई, कल 9 घंटे पूछताछ हुई रिया से, उसके जो जवाब थे अब तक ईडी उससे संतुष्ट नहीं है, सोमवार को फिर पूछताछ हो सकती है। उनके भाई शौविक एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, नजर बना रखिएगा। दीपक, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।